हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम एंड वेलकम टू नया पाकिस्तान। ठीक है, आफ्टर वेस्टिंग टू और थ्री डेज, देखें इस मुल्क में ना ये सर्कस चलती रही। ठीक है, ये नई बात नहीं है, एक पकड़ेगा दूसरा भागेगा फिर लोग आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये बताना था कि वेलकम बैक, आप लोगों ने कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने दो तीन ज़ाया किए होंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा आज आप लोग के साथ थोड़ी सी गपशप करते हैं कि ये जो सर्कस है ना इस मुल्क में, ये चलता रहेगा। ये जब से ये मुल्क बना है तब से ही ये सर्कस जारी है। ये बूढ़ों के दरमियान, ये जो बूढ़े हैं ना, इनको कोई सरोकार नहीं है हमसे, जो भी है। लेकिन कभी इधर वो बस दफा करे, ठीक है, उसमें नहीं जाते। जो हमारा मकसद है वो ये है कि आपने दो दिन ज़ाया किए और अभी से बैठ जाए, चाहे कोई जहाँ भी जाता है, मतलब वो फिर रिहा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग का टाइम ख़राब हो गया, ठीक है, एंड फिर वो नहीं होगा कि यार मैं दो दिन तक फलाब को सपोर्ट करता रहा, मैं वीडियोस देखता रहा। बंदा होशियार वो है ना, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाए तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये फेसबुक और वगैरह ये जो एप्स है ना, इनको आपने अनइंस्टॉल करना है और सीधा बुक के सामने बैठ जाने, तो पूरे मुल्क की हालत ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप फेसबुक वगैरह के अंदर घुस जाएंगे तो ये मुल्क इतने ख़राब हालात में, तो फिर आप ना बुक पढ़ सकेंगे ना कुछ। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एक दिन ज़ाया किया था, लेकिन दूसरे दिन मुझे अकल आ गया कि यार हाँ, कल परसों ये रिहा हो जाएगा, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, सरकस और उसके बाद जो है मैं रिग्रेट करूँगा। तो इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन वेस्ट किया। लेकिन जिसने दो तीन दिन वेस्ट किए ना, तो उसको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। अच्छा जी, तो आज आप लोगों ने क्या करना है, सबक पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ ही रख के, और ये जो लोग हैं ये तो फिर दोबारा से रिहा हो जाएंगे, कुछ वज़ीर आज़म बन जाएंगे कुछ कुछ, लेकिन जिनका बेड़ा गर्क होगा वो हम होंगे। For MDK 2023, ETA, UHS, SAN, Balochistan and everywhere. Now you can prepare your MDK from Maqsad app. यहाँ पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा, you can see. Biology, Chemistry, Physics, English, Logical Reasoning. और इन सब के अंदर क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के पास चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और फिर उसकी ग्रैंड टेस्ट है। सिमिलरली ग्रैंड टेस्ट के अलावा उसमें आपके पास PMC बंडल, पास्ट पेपर्स और हर एक में आपसे टेस्ट लिया जाएगा। After completing your practice test, you will be given your result at the same time or MCQs be explained honge. Use Dr. Sam as your promo code and get 2000 discount, 5000 only. मेरा भी एग्जाम आ जाएगा और आप लोगों के भी एग्जाम्स आ जाएंगे एंड वी विल सफर। ठीक है, और ये जो लोग हैं ना, ये आगे जाके वैसे भी इस मुल्क की हालात कुछ अच्छी नहीं है, तो बेटर आप अपने आप पे फोकस करें। ठीक है, ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे है, जिन लोगों का काम है उनको ही रहने दें। ठीक है, अब ऐसा नहीं कमेंट में मुझे गालियाँ पड़ जाए, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि ख़ुद को पहचाने। ठीक है, ये जो सिलसिला आ रहा है ना, ये आजकल और उसकी बात नहीं है, ये बड़ी पुराने किस्म की बातें हैं। लेकिन इंशाल्लाह आज से मैं बाकायदा तौर पर वीडियो स्टार्ट करूँगा, आप लोग को गाइड करूँगा और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग को सीधे रास्ते पर लेके आऊँ। ठीक है, कि इन चीज़ों से बचें। कभी हमारे अपने घर में इतनी इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाते, वो सॉल्व हो जाते हैं तो मुल्क में इश्यूज आ जाते हैं, अगर मुल्क के इश्यूज ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जाके सैलाब आ जाते हैं, कभी जलजले आ जाते हैं, कभी यार किसी न किसी शुगल ना ये शुगल लगी रहती है। ऐसा नहीं है, कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि यार बस अब पढ़ो भी, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम्स करीब आ जाते हैं ना, फिर चाहे किसी की कुछ भी हो जाए, फिर हम पढ़ते हैं। लेकिन इन दिनों में ना हम वैसे इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई करें कि इन चीज़ों से डिस्टर्ब ना हो, ये शुगल लगी रहेगी, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर वेस्टिंग टू और थ्री डेज। इंशाल्लाह आज से अपने लिए प्लान बनाएं, ठीक है, प्रॉपरली, क्योंकि दो दिन वेस्ट करने के बाद जो फीलिंग्स और जो गिल्ट इंसान को आता है ना, अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर आप जाके गर्म पानी से नहा लें, क्योंकि आजकल गर्मी है। अगर आपको फिर भी गिल्ट फील नहीं हो रहा, आपने वो किया है ना टाइम वेस्ट करके, हाँ वो बंदा बड़ा सक्सेसफुल है जिसने इन दिनों में भी पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, थीके? आगे जाके कोई भी आएगा वो आपके लिए पॉलिसीज चेंज करेगा, वो करेगा इधर उधर, तो फिर आप लोग सफ़र होंगे, फिर कहेंगे कि फ़लाँ मुर्दाबाद, आज जिसको जिंदाबाद कह रहे हैं कल वो आपके लिए मुर्दाबाद बन जाएगा। वो मुझे पता है कि पाकिस्तान में सच कोई वो नहीं है, कोई आइडियालॉजी नहीं है लोगों के, हाँ कि यार किस चीज़ के लिए हम निकल रहे हैं ना,
वो कह रहे कि पीपल इन द मोब डोंट नो व्हाट दे वांट, वो जो लोग बाहर आए हुए होते हैं उनको पता ही नहीं होता हम क्या चाहते हैं, चाहते हैं हम क्या है। ठीक है, तो लीव एट ये चीज़ें एंड बैक टू वर्क। थैंक यू।